अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। अब तो आपको तो जानते ही हैं आप यहाँ पर कि हमारा शो स्पॉन्सर होने जा रहा है और हो चुका है, बल्कि के ट्रेड के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी मालूमात फराहम करती चलूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बात होती है जब और KSB का नाम आता है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अब जबकि के ट्रेड की एक अपनी ही हम कहेंगे काफ़ी हद तक जो है वो एक पहचान है, एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप ईज़ीली आकर एक्सेस जो है वो पूरे दुनिया में मौजूद है, इजीली आप आएँ और यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ऑब्वियसली येस, जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये बहुत चीज़ों को एक्सेस, बहुत चीज़ों के लिए आसानी पैदा कर देती है। अगर स्टार्टिंग ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाए, मैनुअल ट्रेडिंग हुआ करती थी, बहुत मुश्किल हुआ करता था, मैनुअली एक शाउट होता था वहाँ पर और चीज़ें रिकॉल होने में बहुत देर हो जाती थी, स्क्रिप्ट की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी आगे पीछे हो जाते थे। लेकिन अब जबकि जैसे ही टेक्नोलॉजी की आई और टेक्नोलॉजी लॉन्च होना शुरू हुई तो यहाँ पर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट चीज़ें भी दोबारा हमने देखा, एक ज़बरदस्त जो है वो कंबाइल होकर आ गया है हमारे सामने। अगर हम बात करें KSB की तो यहाँ पर के ट्रेड भी एक अपने ही अंदर बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दी गई हैं और फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपके लिए एक ईजी एक्सेस भी है और आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी भी है इसके अंदर कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से स्क्रिप्ट्स हैं, कौन से सेक्टर हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और कैसे चीज़ों को सही तरीके से टेक ऑफ करना है। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताती चलूँ कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में यहाँ पर KSB का केस स्टडी होने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे फिनटेक या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ये फर्स्ट टाइम होगा कि कोई चीज़ पाकिस्तान की बिजनेस स्कूल में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में और इसके पार्टनर्स के जो है स्कूल्स हैं उनमें स्टडी होने जा रहा है। तो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान आल्सो, फॉर KSB आल्सो, और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को बताया जाएगा, इसके स्टडी करवाई जाएगी। तो इट मींस कि ये बहुत ज़बरदस्त माइलस्टोन है जो कि अचीव हुआ है। तो हमारे साथ वी हैव गेस्ट इन स्टूडियो, वेरी स्पेशल गेस्ट, उनको वेलकम करेंगे और उनसे पूछेंगे एक्चुअली आज क्या क्या हुआ है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो। थैंक यू अली। सबसे पहले ये जो गुड न्यूज़ हमने शेयर की है आज के प्रोग्राम में, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो केस स्टडी होने जा रहा है, इट्सेल्फ इट्स अ माइलस्टोन, क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने बोला कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी पब्लिश की है जिस हमारे बारे में, KSB के बारे में, कि किस तरह हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का शऊर इंक्रीज करना चाहते हैं और किस तरह फाइनेंशियल मार्केट को ग्रो करना चाहते हैं। और जैसे आपने बोला कि ये केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाएगी और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे बिजनेस स्कूल में आते हैं उनको पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान में के ट्रेड ऐप जो काम कर रही है और जिस तरह हम इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। राइट, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। के ट्रेड के बारे में बात करना चाहूँगी लेकिन पहले हम देखते चलते हैं के ट्रेड के बारे में जो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनी है, देखिए फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान में कारोबार और कारोबारी शराकत दारी और सरमाए के हुसूल का रुझान बदल रहा है। अब कंपनियां अपने कारोबार को तौसी देने के लिए बैंक से कर्ज लेने के अलावा स्टॉक मार्केट का रुख कर रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में IT टेक्नोलॉजी की आमद से बड़ा बूम देखने में आया है। मौजूदा टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर में इजाफा देखने में आया है। ब्रोकरेज हाउसेज का ख्याल है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में 2021 में जितना काम हुआ है वो माजी में नहीं हुआ। इस दिन में KSB खादिम अलीशाह सिक्योरिटीज ने अपना टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी मुतारिफ करवा दिया है। ये इंडेक्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर्स की कारकर्दगी का जायजा लेकर रोज न्यूज़लेटर और हफ्तावार ब्लॉग में अदाद-ओ-शुमार शाया करेगी। इस इकदाम से टेक्नोलॉजी सेक्टर की अहमियत में इजाफा होगा, जैसा कि आलमी सतह पर भी देखने में आया है। KSB पर उम्मीद है कि इस बरस मजीद टेक्नोलॉजी कंपनीज का IPO होगा और इस सेक्टर में मजीद तरक्की होगी। KSB पाकिस्तान के सबसे कदीम ब्रोकरेज हाउसेज में से एक है। फर्म ने
रिटेल सरमायाकारों के लिए स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के ट्रेड के नाम से 2019 में लॉन्च की थी, जिसका मकसद ऐप सार्फिन को ब्रोकरेज अकाउंट के लिए साइन अप करने और कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ तजारत शुरू करने के काबिल बनाना था। KSB मुल्क में रिटेल सरमायाकारी के मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद है। के ट्रेड के जरिए 10 मिलियन मकामी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों तक पहुँचना है, ताकि वो भी स्टॉक में बॉन्ड्स, अजनास और बाहमी फंड्स के ट्रेड के जरिए सरमायाकारी के काबिल बन सकें। जैसा कि रेगुलेटरी अप्रोच अथॉरिटी और स्टॉक एक्सचेंज की साख में इजाफा हुआ है, इसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट की सरमायाकारी में आराम महसूस कर रहे हैं। के ट्रेड इसी मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को सरमायाकारी की जानिब रागिब करने में मदद फराहम करेगी। सरमायाकारी की जानिब मदद फराहम करेगी, किस तरीके से ये हेल्प कर सकती है और के ट्रेड एक्चुअली है क्या, तो हम पूछते हैं अली से। अली, के ट्रेड क्या है एक्चुअली? तो नताशा, ये एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसके थ्रू एक आम पाकिस्तानी, या वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो पाकिस्तान की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी नैरो मार्केट है, सिर्फ 250,000 लोग हैं जो कि स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर हम अपना पैसा बैंक में सेव करते हैं या रियल इस्टेट में कर देते हैं। इसकी वजह से लोगों को रिटर्न बड़ा कम मिलता है। अगर आप बैंक में करते हैं तो शरा सूद जो है वो 5-7% है। ज़्यादातर लोग तो वो भी नहीं लेते, वो भी करंट अकाउंट्स में रख लेते हैं जिन पर इनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता। इससे बरक्स अगर वही लोग अपना पैसा पाकिस्तान की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते तो उनको इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता। जैसे आपको मालूम है कि पिछले 30 सालों में अगर एनुलाइज रिटर्न देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो उसको 20% का एनुलाइज रिटर्न मिलता। तो क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है, क्योंकि उनको एक्सेस, जैसे आपने बोला शुरू में, एक्सेस नहीं मिलता, तो के ट्रेड ऐप के थ्रू वो जहाँ भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जिस शहर में भी बैठे हुए हैं, किसी ब्रोकर से या हमसे भी बात किए बगैर दे कैन डाउनलोड द ऐप, ओपन द अकाउंट डिजिटली एंड इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इनटू पाकिस्तानी कंपनीज। फर्दर डिसेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, के ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेडिंग की बात हो रही है, और कितनी ज़्यादा आसानियां हैं ये आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अली, के ट्रेड की बात हो रही थी और बात ये हो रही है कि लोग अपना कैपिटल संभाल के रखते हैं, जैसे आपने कहा कि बैंक्स के अंदर रखते हैं, कुछ लोग करंट अकाउंट में रखते हैं और कुछ लोग सूद लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर साइड में करके हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट में आपने कहा कि रिटर्न ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो नॉलेज कैसे क्रिएट की जाए? वो नॉलेज जब ही क्रिएट हो सकती है जब आप उनको रीच करें। और रीच करने का जो काम है वो ब्रोकर्स का होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्रोकर्स जो है वो कराची में महदूद हैं, तो जिसकी वजह से बाकी शहरों में ये नॉलेज बहुत कम है। तो अब टेक्नोलॉजी से, जैसे आपने बोला कि ये रीच हर जगह पूरे पाकिस्तान में, फिंगर टिप्स में, यहाँ तक के पाकिस्तान से बाहर भी, जो पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में रहते हैं, US में रहते हैं, UK में रहते हैं, वो भी के ट्रेड ऐप के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारी जो हमारी इकोनॉमी जो है इसके हिस्सेदार बन सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसा आपने बोला कि इसमें रिटर्न ज़्यादा है, मगर दूसरा इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आम आदमी हिस्सेदार हो पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ताकि ही शुड बी अ स्टेक होल्डर, नॉट आउटसाइड द सिस्टम।
डॉक्यूमेंटेशन भी है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी हो रही है, तमाम चीज़ें एक हम कहेंगे ऑफिशियल चैनल पर हैं। अली, रोशन डिजिटल अकाउंट को कैसे देखते हैं? एक you know, ये भी एक टेक्नोलॉजी की ही एक शाख दिखाई देती है और यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना इंपॉर्टेंट था ये इनिशिएटिव, पहले ले लिया जाता? जी, अब ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। आपने जिस तरह कहा, माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए और इसका रिजल्ट भी हमने देखा है कि इसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको पहली दफ़ा एक हक मिला है कि वो पाकिस्तान में अपना बैंक अकाउंट खोलें। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर साल हमें 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। और रोशन डिजिटल से पहले इनके लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल था, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और उसी की वजह से जो मैंने आपको बोला कि आज कोई भी पाकिस्तानी जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर, के ट्रेड के साथ अकाउंट खोलकर, एक ऐप के थ्रू अपनी मर्जी से अपने घर में बैठकर पाकिस्तान की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। अच्छा, बात हो रही थी अवेयरनेस की, तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि आपको अवेयरनेस लेने के लिए भी ये एप्लीकेशन बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आप जस्ट क्लिक करें और आपके पास उसकी 52 वीक्स की परफॉर्मेंस आ जाएगी, ऐसा ही अली? जी, सो ऐप के अंदर लिंक आपको रिसर्च का पोर्टल मिलता है। जैसे एक तो आपने बोला कि आप हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, आप लाइव स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, उसके साथ साथ आप रिसर्च पोर्टल में जाकर केएसबी की जो रिसर्च है वो देख सकते हैं और कंपनीज की जितनी भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, यानी कि माजी में उस कंपनी ने कैसा नफ़ा बनाया है, कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसकी स्टॉक रिटर्न कैसा बना है, उसकी डिविडेंड इनकम कैसी है। अच्छा। वो सारा आप ट्रैक कर सकते हैं उसी ऐप के थ्रू। राइट, उसी ऐप के थ्रू हम तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, स्टॉक्स और ट्रेडिंग जो है वो भी बहुत आसान है इसकी के ट्रेड के हवाले से अगर बात करें तो, यहाँ पे डिले नहीं आता। समटाइम्स ये होता है ना कि आपके प्राइस कुछ और होते हैं, आप क्लिक कर जाते हैं कि आपने इसकी इन्फॉर्मेशन देख ली, चलें भाई ये इसकी बाइंग कर लेते हैं हम, तो इसमें डिले नहीं आता। ये कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें तो डिफरेंट इशूज़ आते हैं। जी, और ये इशूज़ लोगों के अपने मोबाइल नेटवर्क पर भी वेरी करता है कि अगर आपका नेटवर्क जो है अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपका उसमें डिले हो। मगर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्सेस मिला है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का आज तक। Why? जबकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की, एशिया की ओल्डेस्ट तरीन स्टॉक एक्सचेंजेस में है। बिल्कुल। मगर सिर्फ 0.1। आपने कहा वाई, उसका मकसद वजह मेरे ख्याल में एक तो ये है कि ज्यादातर ये नॉलेज जो है ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के पास और बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो हम पैसा अपना बैंक में रखते हैं, बैंक पैसा हमारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा उठा लेते हैं, हम पैसा इंश्योरेंस कंपनीज को देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा मुनाफा अपने लिए बनाते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। तो जो मिडिल मैन है इसने नॉलेज अपने पास रखी है और उसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा बड़े सरमायाकारों को और बड़ी इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी जो है इसकी, ये इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, क्योंकि ये डेमोक्रेटाइज कर देती है। राइट, तो हर शहरी के पास उस ऐप के थ्रू वही इंफॉर्मेशन हासिल है जो कि एक बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े सरमायाकार के पास है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो इसमें मैं देख रही थी वो आपके ईच एंड एवरी डे कुछ अपडेट्स भी होते हैं, यानी कि ये इटसेल्फ एक अपडेट का इसमें प्रोसेस देखा गया है। कोई भी नई चीज़ आ रही है फटाफट आपके पास टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑब्वियसली चीज़ें ऐड होने लगती हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इस रेस के अंदर भी सर्वाइव करना और इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ओवरऑल टेक्नोलॉजी ही दुनिया में बिजनेसेस फ्लरिश कर रही है और बिजनेस का स्टाइल भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं 2020-2021 में जो बिजनेसेस का स्टाइल बिल्कुल कोविड आने के बाद चेंज हुआ है, कितना इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर अब हमें ट्रांसफर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह चेंज आ भी रही है और इस चेंज को रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। अच्छा। तो आपने जैसा देखा कि इस साल अराउंड 400 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई है ओवर बाहर से पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में, तो वो हर शोबे में टेक्नोलॉजी बढ़ाया है। जिस तरीके से उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को खास तौर पे कोविड के दौरान उन्होंने दुनिया से इस मुसीबत से निकाला है और जिस तरह उनको पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किया गया है, हम बड़ी अपनी खुशनसीबी समझते हैं इसको। और इसके साथ साथ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लंबी उम्र अता फ़रमाएँ, वज़ीर आज़म को परवरदिगार अच्छी सेहत अता फ़रमाएँ, ताकि इसी तरीके से वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहें
पाकिस्तान को वो आगे बढ़ाते रहें। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रोशनियाँ जिस तरह बहाल हुई हैं, ये सिलसिला आगे चलता रहे। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़्यादत के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता रहे। और एक जो मिशन है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ख़ास तौर पर, कि पाकिस्तान से हमने करप्शन का ख़ात्मा करना है, पाकिस्तान में जो दो नंबर सियासी जमातें हैं उनका ख़ात्मा करना है, पाकिस्तान में वो लोग ख़ास तौर पर जो कंटिन्यूस बेसिस पे अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना है। वज़ीर आज़म साहब, ये पैगाम आपके लिए है कि हमें आपके ऊपर पूरा यकीन है, हमें आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि आज हम आपके सिपाही हैं, आज हम आपके वर्कर्स हैं। और आज यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म साहब, पूरी कराची की क़यादत यहाँ पे मौजूद है और आपसे ये वादा करती है कि हम ईमानदारी के साथ आपके साथ काम करते रहेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका साथ देते रहेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि आप ईमानदार हैं और आपकी क़्यादत के अंदर पाकिस्तान जो है उसी तरह तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और वंस अगेन वज़ीर आज़म शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जब आप कहीं खड़े होते हैं इन्वेस्टमेंट करने तो फियर भी सामने आ जाता है। ये फियर फैक्टर क्यों सामने आता है तो ये हम पूछेंगे अली से। अली, खदशात पड़ जाते हैं लोगों के, बहुत मुश्किल से कमाया गया पैसा, खासकर अगर हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात करें, और फिर उनको कहा जाता है जब इन्वेस्टमेंट कर लो तो उनका एक फियर फैक्टर सामने आ जाता है, डर सामने आ जाता है, उसको कैसे देखें? बिल्कुल। सो एक इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इन्वेस्टमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों का बड़ी मुश्किल से सेव किया है वह पैसा है। और इसलिए पाकिस्तान में एक मिसपरसेप्शन है काफ़ी लोगों को कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा डाल के आप जल्द से जल्द अमीर हो सकते हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वो इस नीयत से आते हैं या इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं इन्वेस्ट करने के, वो समझते हैं कि यहाँ पे बड़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे, तो वो वॉलेटिलिटी से घबरा कर फिर वो उनको डर भी ज़्यादा आता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज में हिस्सेदार बन सकते हो। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ज़्यादातर मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। हाँ, मगर जब मैं उन्हीं लोगों को कहता हूँ कि क्या आपने पाकिस्तान में जो टॉप के बैंक्स हैं, यानी हबीब बैंक, एमसीबी बैंक, यूबीएल, बैंक अल्फला, इनके हिस्सेदार बनने हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल, हमारा पैसा भी इधर पड़ा हुआ है तो हम इनके हिस्सेदार भी बनना चाहेंगे। मैं उनसे कहता हूँ आपने पावर कंपनी जो आपके घर में बिजली आती है उसके हिस्सेदार बनने हैं, तो कहते हैं जी बिल्कुल हमने हिस्सेदार बनना है। तो लोगों को ये मालूम नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज कोई स्पेकुलेशन की जगह नहीं है, कोई रातों रात अमीर होने की जगह नहीं है, एक सिर्फ एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जाकर आप पाकिस्तान की 580 कंपनीज में हिस्सेदार बन सकते हैं। उनमें कुछ कंपनीज ब्लू चिप है, यानी उनमें रिस्क कम है, exactly. कोई छोटी कंपनीज है जिनमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये आपके लिए और हमारे लिए डिसाइड करना है कि हम किस लेवल का रिस्क चाहते हैं और हमारी रिस्क एपेटाइट क्या है। बिल्कुल। तो जो हो सकता है कि जो कंपनी मुझे पसंद है वो आपको पसंद ना हो, जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद ना हो, तो ये हमारा अपना डिसीजन है कि हम किस कंपनी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। नहीं, आपको और मुझे सेम कंपनी पसंद होगी, ये तो डाउट नहीं हो सकता। लेकिन अली, आपने जिक्र किया कि ब्लू चिप है, उनके अंदर काफी चार्म नजर आ रहा है, लेकिन अगर आजकल की बात की जाए तो ब्लू चिप ऑब्वियसली यस, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, लेकिन आजकल वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहे, ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में लोगों का रुझान हो रहा है। ये मैं एक इस सिनेरियो से हट के पूछ रही हूँ आपसे कि स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो लोग क्यों पेनी स्टॉक्स या थर्ड टीयर स्क्रिप्ट की तरफ छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में लोगों ने
रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी। अब रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करता है तो उसको छोटी डिनोमिनेशन के स्टॉक्स यानी जिसकी प्राइस जो है वो कम हो उसमें इन्वेस्ट करना आसान लगता है। बड़े उनको बड़े कंपनीज में जिनकी प्राइस ज़्यादा हो इन्वेस्ट करना मुश्किल लगता है। तो ये एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि दुनिया भर में लोगों को टेक्नोलॉजी सेक्टर और ग्रोथ की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इस वक्त रुझान है। ये ना सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ में है, आप अगर देखें तो स्टार्टअप्स जो हैं जो उससे भी छोटी कंपनीज है, कुछ ऐसी थी कंपनी जो स्टार्ट भी नहीं हुई, जो स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्टेड मगर लोग उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पीपल वॉन्ट टू बैक कंपनीज विच आर ग्रोइंग, इसलिए हमने देखा है कि छोटी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, उनके शेयर प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जो बड़ी कंपनीज है जो ग्रो नहीं कर रही उनको लोग कह रहे हैं डायनासोर्स हैं, ये मर जाएंगे। तो चलें भाई, मैं यहाँ आपको पॉज कर रही हूँ अली, मजीद बात करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। मैं इन्वेस्ट करता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्लू चिप के हवाले से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अली से मजीद बात करते हैं। अली, अभी हम ब्रेक से पहले डायनासोर और डिफरेंट काइंड ऑफ इस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्टॉक्स की भी बात करें जिनमें स्पेकुलेशन एक्चुअली हो रही है, डेली बेसिस पे एक्सचेंजिंग हैंड्स होते हैं और पता नहीं चलता। तो वो जो एक इन्वेस्टर है, जो मासूम इन्वेस्टर हम उसे कहेंगे, जो छोटा इन्वेस्टर है, कम अमाउंट से इंटर हो रहा है मार्केट के अंदर, उसको क्या करना चाहिए और उसको ये चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करनी चाहिए? जी, डेली बेसिस में हर रोज स्टॉक मार्केट में हर कंपनी में स्टॉक्स एक्सचेंज होते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि हर प्राइस पे कोई भी स्टॉक हो, वो ब्लू चिप हो या छोटा स्टॉक हो, हर प्राइस में एक बंदा बेच रहा होता है, उसको लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, और एक खरीद रहा होता है जिसको लगता है कि ऊपर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमेशा मौजूद होते हैं हर स्टॉक में, हर प्राइस पे, हर लेवल पर। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि एक अगर एक छोटा इन्वेस्टर है उसको किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में छोटे इन्वेस्टर क्योंकि रिस्क एपेटाइट उसको कम लेनी चाहिए, उसको बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो। मगर ऐसा भी होता है कि छोटे इन्वेस्टर्स क्योंकि उनके पास पैसा थोड़ा होता है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन रिस्कियर स्टॉक क्योंकि वो कहते हैं कि यार मुझे ज़रूरत है ज़्यादा रिस्क लेने की। तो ये जो रिस्क जो चीज़ है ये कर्व पे होती है। ज़्यादातर मिडिल इनकम लोग जो है, मिडिल क्लास लोग कम रिस्क लेते हैं, अमीर लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं और गरीब लोग भी ज्यादा रिस्क लेते हैं। उन्हें भी एक चेंज चाहिए होता है ना, सोचते हैं कि अगर छक्का हो गया तो चलो भाई यहाँ पर आपके सिक्स लग सकता है और अच्छी चेंज आ सकती है। चलें स्टार्टअप से बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ ओवरकॉल मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आप पार्टनर हैं क्लाइड एंड को के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तैमूर, सबसे पहले ये बताइए कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप ये तमाम चीजें इकोनॉमिक वेटेज के अंदर? ये पाकिस्तान के हिसाब से बहुत खुशाइन बात है, और इस साल जितनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट रेज हुई है $300 मिलियन को अब क्रॉस कर चुकी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। और उसकी कई वजूहात हैं जिसमें से एक बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की एक ग्रोइंग एंड सब्सटेंशियली लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ऑब्वियसली उतनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, डिजिटल इनोवेशन बहुत ज्यादा सेक्टर्स में पहले मौजूद नहीं थी, और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि हर किस्म की फील्ड के अंदर, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर्स हों, हेल्थ हों, लॉजिस्टिक्स हों, फिनटेक्स हों, आप जिस एरिया में भी देखेंगे, इंश्योरेंस हो, हर चीज के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इस वक्त आ रही है। और उसमें पहले शुरू में तो पाकिस्तानी फाउंडर्स को आज से कुछ साल पहले मुश्किल हो रही थी इन्वेस्टमेंट रेज करने में, और फिर जब बाद में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई तो वो पाकिस्तानी
वेंचर कैपिटलिस्ट या पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डाल रहे थे, अब जो इस साल होना शुरू हुआ है, जो हम बड़े अमाउंट्स देख रहे हैं, वो ये कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में डायरेक्टली या इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, या वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इससे ऑब्वियसली एक तो इंटरनेशनल पैसा आ रहा है, दूसरा ये है कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। हमारे जैसे मुल्क में वो जो एक जॉब्स की बात की जाती है, तो जॉब क्रिएशन सरकार जो है कोई भी हुकूमत के लिए करना इतना आसान नहीं होता। सो एंटरप्रेन्योरशिप को एक हमें एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना बड़ा जरूरी है, और स्टार्टअप्स के इस कल्चर से ये हो रहा है कि लोग जॉब्स ढूंढने के बजाय अब वो सॉल्यूशंस और अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं और नई चीजें, नई कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो उससे एक तो जॉब्स बढ़ेंगी इकोनॉमी के अंदर जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी उतनी एडवांसमेंट डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, जिसका मतलब है टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा बिकॉज हर चीज डिजिटल मौजूद होगी, ईज ऑफ बिजनेस इंक्रीज करेगी बिकॉज अब आप अपने फोन के ऊपर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं, मफायद हैं, वो किसी सिर्फ एक एंगल के ऊपर नहीं है या सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि उसके बड़े ब्रॉड रेंजिंग सोसाइटल बेनिफिट्स हमें नजर आ रहे हैं इसमें। राइट, ऑब्वियसली काफ़ी वास्ट विजन है और इसके जो एक इम्पैक्ट आएंगे, इसके जो हम कहेंगे रिजल्ट आएंगे, वो भी लॉन्ग लास्टिंग होंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे देख रहे हैं आप? फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा अब अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी? ऑफ कोर्स के ट्रेड की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ऐसी इनिशिएटिव प्रोवाइड करना ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को और ख़ासकर ओवरऑल फॉरनर्स को? बहुत इम्पोर्टेंट है, और के ट्रेड जो है वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर इजीली ओवरसीज पाकिस्तानी और कोई ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी उसके थ्रू मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये सब नए जो स्टार्टअप्स हैं, कई जितना आप सुन रही हैं, दे आर लेड बाय पीपल लाइक योर गेस्ट अली फरीद ख्वाजा, जिनकी अपनी एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग भी है। सो इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये एक झिझक थी कि हम किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन उस चीज को लीड कर रहा है। अब हम वो देख रहे हैं कि वो चीजें चेंज हो रही हैं, सीनियर लोग, बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स और दूसरे जो हैं वो इन चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के कुछ और भी शुरू से कंसर्न रहे हैं कि जी हम अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे डालेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में हो, तो एक जो उसका इन्वेस्टमेंट का लाइफ साइकिल है उसको हम कितना इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि अगर वो एक शेयर होल्डर बन रहे हैं तो कितनी आसानी से वो एक एज अ फॉरेन शेयर होल्डर एक पाकिस्तानी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं, कितनी आसानी से वो डिविडेंड्स अपने लेके रिपैट्रिएट कर सकते हैं अपनी होम कंट्रीज में, अगर कल को वो बेचते हैं तो वो कितनी आसानी से अपने शेयर बेच सकते हैं। इन चीजों के ऊपर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल के अंदर काफी चेंजेस लेके आए हैं, डिजिटाइज किया है कुछ इसको स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिल रहा है अभी। लेकिन हमारा सारा जो स्ट्रगल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी ऑब्वियसली ऐसी चीजें हैं जिनको हमें मजीद रिफॉर्म करने की जरूरत है टू ट्रूली बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोथ फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी एंड नॉन पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों। सो पाकिस्तान आई थिंक ये अभी तो सिर्फ इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो अभी पैसे आने शुरू हुए हैं, अगर इन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है और कल को सही तरीके से पाकिस्तानी मार्केट से एग्जिट्स भी मिलती हैं, यानी कि वो अपने पैसे लगाए हुए पैसे को मुनाफा बना के अगर पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट से किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाते हैं, तो फिर दुनिया पूरी बैठी हुई है पाकिस्तान की तरफ आने के लिए। सो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा सपोर्ट करें, स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करें होपफुली, ताकि वो अपने इरादों में सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच तैमूर मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और खासकर जैसा कि देखा जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जब रिलक्टेंट नज़र आते हैं और ऐसे इनिशिएटिव देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फिर वो दोबारा कम बैक करते हैं। अली से पूछते हैं, अली क्या हम कम बैक एक्सपेक्ट करें अब फॉरनर्स का, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें जिससे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, पोलिटिकल स्टेबिलिटी है और चीज़ें पाकिस्तान की की तरफ है, ऑन ट्रैक नजर आती है इकॉनमी, इंटरनेशनल रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं अच्छे, बायलेटरल रिलेशन हमारे पास बेहतर हो रहे हैं।
your take on? जी, जिस तरह तैमूर ने बोला कि पाकिस्तान एक बड़ी इकोनॉमी है और अगर हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो फैसिलिटेट करे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अच्छा। हमने जिस तरह तैमूर ने बोला कि स्टार्टअप्स के अंदर तो इस साल 300 मिलियन डॉलर से ज़ायद इन्वेस्टमेंट आई है, पब्लिक मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आई फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स की उस लिहाज से जिस लिहाज से आनी चाहिए थी। मगर मेरे ख्याल में अगले 12 महीने में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज का आईपीओ होगा। अभी रिसेंटली भी एक कंपनी का आईपीओ हुआ जो कि 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, जिससे शो होता है कि कितनी ज़्यादा डिमांड है इन्वेस्टर्स की टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। तो जब ये आईपीओज आएंगे नए तो उसकी वजह से ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। राइट, ओवरसीज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली आता हुआ दिखाई भी दे रहा है और होगा भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आपने कहा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज के न्यू आईपीओस भी आएंगे और अभी हमने ऑब्वियसली यस एक आईपीओ देखा था जिसका बहुत ज़बरदस्त एक आउटकम आया था। आप कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस में अवेयरनेस भी अगर क्रिएट कर दी जाए तो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर जो अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं? जी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में SECP ने, स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से मार्केट ओपन एक्सेस हो रहा है। अच्छा। डिजिटल, जैसे तैमूर ने बोला कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए हैं। सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग अलाउ की गई है। अच्छा। जिसकी वजह से थ्रू आप K-Trade जैसी ऐप्स के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, आपको किसी ब्रोकर के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है। पहले ये बड़ा सा लंबा सा फॉर्म हुआ करता था और इतना ज्यादा ट्रिकी कि आप उसको खुद अकेले बैठ के अगर आपको जरा सी भी नो हाउ नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, आपको किसी की प्रोफेशनल की किसी की मदद दरकार होती थी। अब बहुत ईजी है। बिल्कुल, जब मैंने 3 साल पहले जब हमने K-Trade लॉन्च किया तो उस वक्त मेरे ख्याल में 40 जगह पे आपको दस्तखत की ज़रूरत थी। अच्छा। तो दस्तखत करते करते आपके हाथ थक जाते थे कि ये अच्छा। हो क्या रहा है। तो अब जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और 5-6 फॉर्म्स में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका मैं सारा क्रेडिट जो है वो SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दूंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो नई मैनेजमेंट है उन्होंने मार्केटिंग के भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लॉन्च किए हुए हैं। उनकी वेबसाइट जो है उसमें पूरा एक डेटा पोर्टल है जिसके अंदर आप पाकिस्तानी किसी भी कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दुनिया की बहुत कम एक्सचेंजेस होती है। एक्चुअली इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगी, कोई कंपनी अगर डिफॉल्ट हो तो वो लिख भी देते हैं साथ में रेड कलर से ये डिफॉल्ट है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी हो रही है सर। जी, वो कंपनी डिफॉल्टेड नहीं होती, वो कंपनी PSX के रूल्स पे डिफॉल्ट की होती है। ओके। जिसमें जिसका दो इसका मतलब है कि वो PSX के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और उसके रूल्स पे वो नहीं मीट कर रही। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी दुनिया के कई मार्केट से बहुत बेहतर है। मैं आपको लंदन की मिसाल देता हूँ। मैं जैसा आपको जानती है मैं लंदन में रहता हूँ, मैं वहाँ पे एक कंपनी चलाता था। लंदन में एक लिस्टेड कंपनी साल में सिर्फ 2 दफ़ा अपने अकाउंट्स पब्लिश करती है। अच्छा। पाकिस्तान में 4 दफ़ा उनको टफ रेगुलेशंस। जी, पाकिस्तान में दे हैव टफ रेगुलेशंस जिसकी वजह से एक आम सरमायाकार को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्योंकि उसके पास मालूमात भी मौजूद है, उसके पास सेफ्टी भी मौजूद है, उसके पास सिक्योरिटी भी मौजूद है। सिर्फ कॉन्फिडेंस और नॉलेज का फुकदान है। और ये जब ही इंक्रीज होगा जब आप उनको रीच आउट करेंगे, जिस तरह इस प्रोग्राम के थ्रू आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों को बताती हैं उसी से लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हम K-Trade के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो 680 कंपनीज हैं उनमें हम हिस्सेदार बन सकते हैं और उनके हिस्सेदार बन के उनके बहुत नफ़े और नुकसान में हमें हिस्सा मिलेगा। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जो कि अब लोगों के पास अवेलेबल है। अब लोगों के पास अवेलेबल है और PTV न्यूज़ हमेशा से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्रोग्राम या फिर हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस देता चला आया है और फ्यूचर में भी देता रहेगा, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर भी है और हमारे लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट की या छोटी सी हम कहेंगे कि हमारे लिए एक बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकता है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे
टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अली हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ख़ासकर पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक हम कहेंगे इकॉनमी की बात हो रही है, जितनी जल्दी कम बैक किया है वो कितना इम्पॉर्टेंट था। कोविड जैसे चैलेंज होने के बावजूद हम बात कर रहे हैं उस चैलेंज की जो इस पूरी दुनिया में पहली बार मुतारफ़ हुआ, और आते ही पूरी दुनिया को एक लॉकडाउन की सूरत में जो है वो इख्तियार कर लिया गया। काफ़ी हमने देखा बड़े से बड़े डेवलप कंट्रीज़ भी उसके आगे हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान जैसे कंट्री ने, जिसको WHO ने भी सराहा यहाँ पे, जबकि इतनी सारी चीज़ों की पाबंदी भी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट्स के नंबर्स और सारी चीज़ें देखें तो एक वेटेज करते हुए दिखाई दिए। कैसे देख रहे हैं ये सब? कुछ तो मौजज़ात देखते हैं, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसा आपने बोला कि सारी प्रेडिक्शन सारी पेशेंट गोई यही थी कि यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब होंगे। हमने देखा कि इंडिया में हालात बहुत ख़राब हो गए, तो पाकिस्तान में मिराकुलसली वो नहीं हुआ। तो डेफिनेटली द क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट, मगर द थैंक्स टू अल्लाह। मगर मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँ, जो आपने PTB के रोल के बारे में बात की, कि ये एक बहुत ही बड़ा रोल है जो PTB प्ले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के सबसे बड़ा मसला डेट ट्रैप है। हमारी इकॉनमी लोन्स पे और कर्जे पे डिप चलती है। हम अपना पैसा भी बैंकों में रखते हैं कर्जा देने के लिए, और कंट्री भी जो पाकिस्तान में वो भी बाहर से कर्जा लेता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जिसमें आप हिस्सेदार क्योंकि बनते हो, तो उसमें वो आप कर्जे की जगह इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जब ये पैसा हमारा रियल इस्टेट से निकल कर और बैंकों से निकल कर जब कंपनियों के अंदर जाएगा एज इन्वेस्टमेंट, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक जो द रोल PTB प्ले कर रहा है, मैं इसको सराहना चाहूँगा और आपका थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच अली। आपने कहा कि जो पैसा पार्क होता है बैंक्स में और रियल इस्टेट में, इस पर भी बात करूँगी, लेकिन हमारे साथ ओवरकॉल मौजूद हैं खल्दून बिन लतीफ़ साहब, आप CEO हैं फैसल फंड के, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो खल्दून। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, के ट्रेड की बात हो रही है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है आजकल की दुनिया में या फिर आजकल के सिनेरियो में टेक्नोलॉजी का होना और इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को डबल करना? देखिए, अगर आप ग्लोबली ट्रेंड्स को देखें, द वे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हो रही हैं, उसकी पूरे ट्रेंड चेंज हो गए हैं, एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड प्लेड अ वेरी बिग रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग ईज ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ अलाउइंग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अपनी सेविंग्स को चैनलाइज कर सके एफिशिएंटली टुवर्ड्स रिटर्न ओरिएंटेड एसेट क्लास। सो दैट ट्रेंड, एंड आई थिंक K-Trade हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट एक्सेस टू द रिटेलर्स टू ऑप्टिमाइज देयर रिटर्न। सो वो ट्रेंड ग्लोबली भी चलता रहा है, एंड आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड उसी तरह एक्सेलरेट कर रहा है। राइट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की या ओवरऑल परफॉर्मेंस की, ये कैसे देखते हैं, और इनका जो एक स्टार्ट हुआ है, यानी कि एक इनका एक ज़बरदस्त सी जो है वो एक कमबैक हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पहले इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब कोविड के आने के बाद यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सी फिनोमिनल चेंज दिखाई दे रहा है। देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ लोकल नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। अगर आप पिछले 10 इयर्स की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें S&P 500 का, जिसमें एक जमाने में एग्जिस्टिंग जो कन्वेंशनल बिजनेस थे वो डोमिनेट करते थे टॉप 20 स्लॉट्स को, और अब ओवर द लास्ट 10 इयर्स टॉप 10 जितनी भी कंपनीज है वो सारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। एंड जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये कोविड के चेंज ने बहुत सारी इस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर दिया है। सो ये जो ट्रांजिशन थी डेवलप्ड मार्केट से इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट में, टिपिकली 5-10 साल का लैग होता है बिटवीन दी ट्रेंड्स टू ट्रिकल डाउन इनटू मोर फ्रंटियर मार्केट्स, बट कोविड ने इस गैप और इस ट्रांजिशन को बहुत हद तक एक्सेलरेट कर दिया है, एंड दैट हैज स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट इन PSX एज वेल। सो अगर आप देखेंगे PSX प्री कोविड जो आपकी इंडेक्स के स्ट्रक्चर्स थे और फिर पोस्ट कोविड,
उसमें टेक्नोलॉजी की कैपिटलाइजेशन है ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म बिकॉज फंडामेंटली इन कंपनीज ने बहुत अग्रेसिव ग्रोथ डिपिक्ट की है एंड उस ग्रोथ की एपेटाइट को और फिर क्योंकि नॉट जस्ट कि उन्होंने ग्रोथ प्रोड्यूस की है उसके जो अंडरलाइंग रिस्क हैं वो बहुत वेल कंटेन्ड हैं. टिपिकली ये कंपनीज डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी हेज्ड हैं और डीरेगुलेटेड हैं एंड टैक्स एफिशिएंट भी हैं. सो एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव एक्सेलरेटेड. ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें. कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत के लिए मुमकिन इकदाम के हवाले से कोर कमांडर्स में आज इस हवाले से बात हुई है. मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा पी टी वी न्यूज़ आसिम रिजवान से. आसिम रिजवान, अहम कॉन्फ्रेंस हुई है कोर कमांडर्स की, पेशरफ्त से आगाह कीजिएगा. जी बिल्कुल, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई और फोरम ने जामे सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है खित्ते की, बिलखसूस जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और जो पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती है, दाखिली सलामती जो है, उस हवाले से मामलात जो हैं उनका बगौर जायजा लिया और फोरम ने उन तमाम मैयर्स को भी की भी तारीफ की, उनको सराहा जो कि दुश्मन की फोर्सेस जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहती हैं उनको काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं. पाकिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम जो है ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और इसके अलावा जो इंडियन आर्मी की जानिब से प्रोपेगेशन जो की जा रही है उसका भी अस्करी क्यादत ने जो है वो संजीदगी से नोटिस लिया और अस्करी क्यादत का ये कहना था कि पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई सरहदें हैं उनके तहफ़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जितने भी ज़रूरी इकदाम हैं वो जो है उठाए जाएंगे और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है वो दरअसल भारत की उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो कि उसको दाखली सतह पर फेस करनी पड़ रही है, बिलखसूस जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, इसका भी जिक्र किया आर्मी चीफ ने. और इसके अलावा फोरम ने जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है सिक्योरिटी की और जो वहाँ पे ये खुदा न खास्ता इंसानी अगर कोई क्राइसिस पैदा होता है तो उस हवाले से भी फोरम का ये कहना था कि जो बैन अल-अक़वामी बरादरी है उसको चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे जो कि अफगानिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए और खित्ते के लिए भी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियाँ हैं उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो फोकस है वो तरबियत पर होना चाहिए, ट्रेनिंग पर होना चाहिए और इसके लिए जो दो तरफा तावुन है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जो मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के साथ तावुन है ट्रेनिंग के हवाले से उसके भी जिक्र उन्होंने किया और इसके अलावा जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, आप हमें आगाह कर रहे थे. रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है. शुरका को पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर मुमकिन इकदाम करने के हवाले से आगाह किया गया. इसके साथ साथ भारतीय फौज की जानिब से प्रोपेगेंडे का भी सख्त नोटिस लिया गया. ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन. एक फियर जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज की जब बात होती है, जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जब नंबर्स आगे पीछे होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और जब आप देखते हैं कि आपने उसकी बाइंग कॉस्ट से वो नीचे जा रहा है तो आपके अंदर एक अजीब सा पैनिक क्रिएट होने लगता है जबकि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए. ऐसा क्यों है, इतना पेशेंस लेस क्यों हो जाते हैं लोग? बिल्कुल, ये इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है. अच्छा, क्योंकि इसलिए मैं वही हमारे इस प्रोग्राम में फोकस भी ये रहा कि आप इन्वेस्ट करें अच्छी कंपनीज पे और ट्रेड ना करें, आप अच्छी कंपनीज ढूंढें और उसके हिस्सेदार बने. खुलदून आपको बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर को रन करते हैं फैसल फंड जो कि फैसल बैंक की सब्सिडरी है. तो इन जैसे इन्वेस्टर्स जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, जो बहुत रिसर्च करते हैं कंपनीज को इनसाइड आउटसाइड उसको स्टडी करते हैं, दे थिंक दैट दोज आर गुड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन. तो इसी तरह रिसर्च जो है वो एक आम इन्वेस्टर के ट्रेड ऐप के थ्रू हमारी रिसर्च देखकर उसमें उसको स्टडी करके दे कैन एनालाइज द कंपनीज और जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें, जिनके हिस्सेदार बने, उनको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह एक बिजनेस पार्टनरशिप को ट्रीट किया जाता है. इस तरह नहीं जिस तरह एक गेम एक गेम को खेला जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी. तो
हमारी रिकमेंडेशन तो यही होती है इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, बी रिस्पॉन्सिबल, अपनी अपने सेविंग्स के बारे में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करें, अच्छी कंपनी लें और रिसर्च करके लें, और उसके बाद यू कंटिन्यू टू होल्ड देम, इफ़ यू लाइक देम देन होल्ड देम। राइट, एक तो बात की कि हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लिया, डिफरेंट सेक्टर्स की एक अच्छी सी बास्केट बना के स्टार्ट ले लिया, बिस्मिल्लाह कर दी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ENP एक वेटेज वाला सेक्टर हुआ करता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा हम डाउन साइड पर देख रहे हैं। मैनेज करना थ्रू के ट्रेड बहुत ईजी है। मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी ये एप्लीकेशन स्टडी कर रही थी और उसमें मैंने देखा कि इसमें जो चीज़ें हैं वो अपडेट हो रही है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट काफ़ी हद तक अपडेट का एक जो एक वैल्यूएशन है वो बिल्डअप हो रहा है, और करंट पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है ये भी बताया जा रहा है। योर टेक ऑन जी। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर वो अपनी सेविंग्स खुद मैनेज नहीं कर सकते तो वो हम पाकिस्तान में 19 एसेट मैनेजर्स हैं, उनके पास जा सकते हैं। जैसे खुलदून थे फैसल फंड्स के, आप इस तरह इनके तरह कंपनीज के पास जाकर यू कैन गिव द मनी टू देम एंड दे कैन मैनेज इट फॉर यू। के ट्रेड के थ्रू आप अपनी कंपनीज खुद सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ETF इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, ETF एक बास्केट ऑफ स्टॉक है। तो जब आपने बोला ना कि पोर्टफोलियो, काफी लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, मगर वो ओवरऑल इकोनॉमी पे बेट एक अपनी सेविंग करना चाहते हैं, वो ETF इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देम, क्योंकि आप ETF ट्रैक्स द ओवरऑल मार्केट। तो के ट्रेड के थ्रू अगर आपने ETF में इन्वेस्ट करना है आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई अपनी पसंदीदा कंपनी या अपने पसंदीदा बिजनेस पार्टनर को चूज करना चाहते हैं आप उसको भी कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे अली, बस लास्ट नोट है, मैं एक ब्रेक की जानिब जा रही हूं, उसके बाद जल्दी से आके इनसे लास्ट नोट लेंगे। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं। अली, आप कंक्लूड कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को आज के दिन जो हमारी डिस्कशन हुई है? जी, मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा कि आपने यहाँ इस बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, लोगों को समझाया कि किस तरह उनको अपनी सेविंग्स का ख्याल रखना चाहिए, और ये भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, खासतौर पर उन ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और जॉब्स क्रिएट हो रही है और इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये ट्रेंड चलता जाएगा। जिस तरह आपने बोला कि 2020 में इसमें और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। सो आई एम थैंकफुल टू यू एंड PTV फॉर हाईलाइटिंग दिस। थैंक यू सो मच अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है और अब आने वाले दिनों में इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स, फिनोमिनल रिजल्ट्स स्टेप बाय स्टेप आते हुए दिखाई देंगे। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।